अरवली जिला एसपी नु निवेदन, असामाजिक तत्वों पर रहेशे पोलिसनी पांच नजर। नवरात्रि महोत्सव ने लईने अरवली जिला पोलिस वडा सैफ अली बरवाल द्वारा प्रेस कॉन्फरन्स योजवामां आवी हती। स्टोरी रिपोर्ट बाय जगदीश सोलंकी, अरवली। दशहरा का जो शुभ पर्व है नवरात्रि का, वो 3/10 से शुरू हो रहा है। इसके संदर्भ में अरवली पुलिस पूरी सजग है। हमने 27 शी टीम्स गठित किए हैं इस दफे, जो पूरे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में घूमती रहेंगी सिविल ड्रेस में। अगर कोई भी रोमियो या लोफर इन्हें दिखेगा तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारे 1200 होमगार्ड्स और जीआरडी की पूरी फोर्स भी तैनात होगी। 900 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी 24/7 पेट्रोलिंग में रहेंगी, एवं PI और PSI श्रीज के भी बंदोबस्त रहेगा। नेत्रम कंट्रोल रूम के 138 कैमरास पूरे मोडासा टाउन में सर्वेलेंस में रहेंगे। कुछ भी छोटे से छोटे बनाव बनने पर PCR जो हमारी व्हीकल्स हैं वो जल्द से जल्द वहाँ तत्कालिक पहुँच जाएगी। मैं इस नवरात्रि के शुभ पर्व में जो हमारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें 3-4 गाइडिंग पॉइंट्स भी देना चाहूँगी। उनको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ कहीं ना जाए। ये नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो अपना लोकेशन हमेशा कोई नॉन रिलेटिव या तो अपने माताजी पिताजी, किसी ना किसी ट्रस्टेड पर्सन को हमेशा शेयर करें। एवं आप बाहर जा रहे हैं, खाना पीना भी होता है, पर कोई भी अननोन व्यक्ति के हाथों से ना ही कुछ पिए ना ही कुछ खाए, हम इसका भरोसा नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में अगर कोई अफवाहें फैल रही हैं तो जल्द से जल्द पुलिस को कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक में, ट्विटर में, एक्स में और इंस्टाग्राम में, उसे आप लोग फॉलो कीजिए। उसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आगामी दिवस में अच्छी अच्छी सूचनाएं आपके लिए देंगे। अगर कुछ भी शंकास्पद आपको कहीं लगता है, कोई शंकास्पद आदमी आपको कहीं लगता है, जो किसी के साथ कुछ आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, तो 100 नंबर एवं 112 में आप जब के जब डायल कर हमें बताइए। 181 जो महिला पुलिस हेल्पलाइन है, उसमें भी आप डायल कर हमें बता सकते हैं। मैं सभी को शुभ नवरात्रि विश करना चाहूँगी एवं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इसमें आप लोग भी हमारा एक सहायता करके इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।